हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की। डिटेल में पढ़ेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि चीज़ों को डेरिवेशन नहीं किया जाता, डायरेक्ट 74% लिख के छोड़ दिया जाता है। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। हम डेरिवेशन करने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो एचसीपी स्ट्रक्चर की। एचसीपी स्टैंड फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट और एचसीपी स्ट्रक्चर बेसिकली दिखता कैसा। एक्चुअली आप अगर एचसीपी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करो, सर एचसीपी स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिखूं तो ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। आई विल बी हैविंग अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसको कहा जाता है ए बी टाइप अरेंजमेंट, और ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है ए बी बिकॉज ए बी अरेंजमेंट जो है वो टू डायमेंशन में भी पॉसिबल होता है। व्हेन आई से ए बी टू डायमेंशन में पॉसिबल होता है, आई मीन टू से देखो, अगर मेरे पास एक लेयर है एटम का, इफ आई गॉट एन लेयर ऑफ एटम, लेट अस से इस लेयर का नाम मैं ए लिखता हूं, अगर मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर एक और लेयर लाके रख देता हूं एग्जैक्टली इसी के ऊपर, तो मैं इस लेयर का नाम भी ए रखूंगा बिकॉज सेम लेयर इज प्लेस एट द सेम लेयर। सर पर अगर इसमें मैं कुछ ऐसे करता हूं, मेरे पास एक लेयर है एटम्स का, आई हैव गॉट एन एटम का लेयर दिस, और अगर मैं सेकेंड लेयर को यहां लाके रखता हूं बिटवीन दैट कैविटी, वो जो कैविटी बनता है उसके अंदर लाके रखता हूं, अगर ये लेयर ए है तो ये लेयर बी हो जाएगा, एंड अगेन मैं इसके ऊपर एग्जैक्टली मेरा सेम एटम्स को लाके रखूंगा जो मेरा थर्ड फर्स्ट लेयर था, सो दिस विल बी अगेन ए। आप अगर देखो यहां से दिस एटम इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स, आप अगर इस सारे सेंटर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करो, व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी एन हेक्सागोन। आप अगर यहां पे ज्वाइन करने की करोगे कोशिश तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर। नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D में भी होता है, दैट हेक्सागोनल पैकिंग ओवर हियर, और ये 3 डायमेंशन में भी होता है। हम जो बात करने वाले हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है, लेयर 1 प्लेस्ड ऑन लेयर बी प्लेस्ड ऑन लेयर ए, देन अगेन लेयर ए। सो आई कैन से अगर ये मेरे पास लेयर ए है तो ये मेरे पास लेयर बी होगा, अगेन मेरे पास लेयर ए आएगा, अगेन मेरे पास लेयर बी आएगा। Now what you saw over there is a diagrammatic representation. मैं इसको रियल में दिखाने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करो कि मेरे पास ये एक लेयर है। Now can you see this? There are 6 atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेंटर में एक होता है। अगर सपोज करो मैं इस लेयर को कुछ इस तरीके से प्लेस करता हूं, दिस इज माई फर्स्ट लेयर, और इसके ऊपर मैं एक सेकेंड लेयर को लाके रखता हूं। Now आपको यहां कुछ चीजों को नोटिस करना है। चीजों को क्या नोटिस करना है, आप अगर इस लेयर को बहुत ध्यान से देखो, यू विल फाइंड देयर आर मेनी ट्रायंगुलर वॉइड्स। यहां बहुत सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। आप देखो ये एक ट्रायंगुलर वॉइड है, ये एक ट्रायंगुलर है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड है, नेक्स्ट अदर, दिस इज द अदर वन। जब आप इस ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो तो सर यहां पे 6 ट्रायंगल बनते हैं। आप सबके न्यूक्लियस को यानी सबके सेंटर्स को अगर ज्वाइन करो तो मुझे स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। मेरे पास एक सेंट्रल एटम है और मेरे उसके आजू बाजू में देयर आर 6 एटम्स व्हिच आर सराउंडिंग इट। अगर मैं सबके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं और सबको सेंट्रल एटम के साथ ज्वाइन कर दूं तो मुझे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई होप समझ में आया। Now when you see there are 6 equilateral triangles, so there will be 6 triangular void. There are 6 triangular void. In 6 triangular void के ऊपर मैंने एक atom को लाके रखा, which is this, ये 3 atoms का layer है, मैंने इसको इसके ऊपर लाके कुछ इस तरीके से रखा। Now if you look very carefully, अगर मेरा ये वाला atom, this atom over here, अगर ये इस void पे जाता है तो बाजू वाली void खाली होती है। Alternate triangular voids पे if you look carefully, ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स पे मेरे पास एटम्स होंगे। ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स पे यानी अगर मेरे ये वॉइड पे एक एटम बैठा है तो बाजू वाला वॉइड मेरे पास जो है दिस वॉइड इज एम्प्टी, तो मेरे इस वॉइड पे एक एटम बैठा होगा, नेक्स्ट वॉइड ओवर हियर विल बी अगेन एम्प्टी, वहां कोई नहीं बैठा होगा। और इन अदर वर्ड और ज्योमेट्रिकल भाषा में बोलूं तो मैं यूं कह सकता हूं, मेरे पास जो ट्राइंगुलर था, ट्राइंगल था, उसके ऑर्थो सेंटर पे मैंने एक एटम को लाके इस तरीके से रख दिया, तो मेरा ये एटम, मेरा जो ये एटम बैठा हुआ है ग्रीन, ये इस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर बैठा हुआ है। सो माय दिस ग्रीन एटम इज जस्ट सिटिंग एट द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल मेड बाय द बेस लेयर, तो उसके ऊपर मैंने इस एटम को लाके इस तरीके से प्लेस कर दिया। जस्ट लाइक लुक एट द डायग्राम, मेरे पास 6 एटम्स का एक लेयर होगा नीचे और उसके ऊपर मैं 3 एटम्स को लाके रखूंगा। दिस 3 एटम्स विल बी प्लेस ऑन ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड या एट द ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑल्टरनेट ट्राइंगल। सो मैं कैसे कह सकता हूं, देखो अगर यहां पे इस ऑर्थो सेंटर के यहां पर अगर मेरे पास एक एटम है तो बाजू वाले ट्राइंगल पे नहीं होगा, तो इस ट्राइंगल के ऊपर मेरे पास यहां एक एटम होगा तो ये वाले ट्राइंगल में नहीं होगा, तो ये वाले ट्राइंगल के ऊपर एक एटम होगा। अगर मैं अब उनको ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो आई कैन ड्रॉ इट समवॉट लाइक दिस, तो यहां से ये नीचे की तरफ यहां आ जाएगा,
यहां से ये नीचे की तरफ यहां आ जाएगा, यहां से ये नीचे की तरफ यहां आएगा. इफ यू लुक केयरफुली, मैंने अल्टरनेट जगह पे ड्रॉ किया. नाउ आप सोचो, यू जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर. मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये एक बेस लेयर है सॉरी, जिसके ऊपर मैंने एक ट्राइंगल को रखा है. और अगर मैं उसी के ऊपर एक और बेस लेयर लाके रख दूं, अगर मैं एक और बेस लेयर लाके रख दूं, सो व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर. दिस इज हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर, प्लीज लुक केयरफुली. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि सपोज करो यहां नीचे की बेस लेयर से लेके ऊपर की बेस लेयर तक का जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस जो होगा, मैं उस पूरे डिस्टेंस को यानी उस हाइट को मैं सी लिखता हूं. सो व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लेयर, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लेयर अप टू द नेक्स्ट लेयर ओवर देयर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है मैंने उसको सी लिखा. तो व्हाट आई कैन से, अगर मेरे दो लेयर के बीच का डिस्टेंस सी है, तो मेरे बीच में जो लेयर आई थी थ्री ट्राइंगल्स की, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी बाई टू. सो आई कैन से यहां पर व्हाट इज लाइक दिस. So, यहां का जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी c by 2. एंड बेस लेयर से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, c. आई होप दिस डायग्राम इज क्वाइट क्लियर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन हेक्सागोनल क्यूब. सो फॉर दिस लेट अस गो थ्रू द डायग्राम अगेन. आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, सो आई हैव गॉट 6 एटम्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर. ये 6 एटम्स जो होंगे, द 6 एटम्स विल बी डिवाइडेड या दे विल बी अ पार्ट ऑफ 6 डिफरेंट क्यूब. देखो ये जो एक एटम है वो यहां पर भी प्रेजेंट होगा, वो यहां पर भी प्रेजेंट होगा, और वो मेरे पास भी प्रेजेंट है. ऐसे ही वो 3 क्यूब में नीचे होगा और 3 क्यूब में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा. सो व्हाट आई कैन से, जैसे जस्ट लाइक दिस एटम ओवर हियर विल बी अ पार्ट ऑफ 3 क्यूब्स. मेरे एक क्यूब का हिस्सा है, यहां मेरे एक क्यूब का हिस्सा है, और यहां एक और बाजू वाले क्यूब का हिस्सा है. ऐसे ही अगर ये 3 ऊपर है तो 3 नीचे भी होगा. सो मैं यूं कह सकता हूं कि मेरा जो एक कॉर्नर प्रेजेंट है, दिस कॉर्नर विच इज प्रेजेंट, it is a part of 6 cubes. I hope clear है. So it will be a part of 6 cube. तो मेरे हिस्से में कितना आएगा सर? सर मेरे हिस्से में उसका 1/6 part आएगा. So this is what I have drawn over here. This is the part that I have drawn. So this part will be called as 1/6 part. Just like what you have got 1/8 part in your simple cube. सर उसके अलावा मेरे पास जो सेंटर में एटम बैठा हुआ है ना, दिस सेंट्रल एटम दैट आई हैव गॉट ओवर हियर, सर ये सेंट्रल एटम विल बी डिवाइडेड इनटू टू क्यूब्स. आधा मेरा होगा और आधा ऊपर वाले का होगा. सो आई कैन से ये जो मेरा क्यूब यहां पे है, ये जो पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है, इसका मेरे पास कितना पार्ट है, हाफ पार्ट जो इसका है वो मेरा पार्ट है. उसके अलावा अगर आप देखो, सो आई हैव गॉट 3 एटम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल. तो ये जो पूरा का पूरा है, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट जो है वो मेरा हिस्सा है. तो मैं कहूंगा इसका पूरा का पूरा 1 पार्ट मेरा हिस्सा है. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा जिसको मैं z से रिप्रेजेंट करूंगा. सबसे पहले सर आई हैव गॉट 1/6 पार्ट एट एवरी कॉर्नर. तो टोटल कॉर्नर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड 6 नीचे है. तो आई विल बी सेइंग 1/6 into 12 प्लस, सर मेरे पास हाफ ऊपर है और हाफ नीचे, सो दिस विल बी हाफ इनटू 2 प्लस, सर 3 के 3 जो है वो मेरे पास मेरे के मेरे हैं, वो किसी और के साथ मैंने शेयर नहीं किया है. सो दिस विल बी प्लस 3. नाउ 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 2 वन जा 2, एंड दिस इज 2 वन जा 2. व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी 2 प्लस 1 प्लस 3. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम्स आउट टू बी 6. I hope quite clear. Now the second question that arises will be coordination number कितना है सर? What will be the coordination number of hexagonal cube? आप किसी भी एक particle का coordination number निकाल लो, बाकी सारे particles का coordination number उतना ही हो जाता. तो suppose करो मेरे पास ये layer है, I have got this layer, और मैंने इस layer के ऊपर एक triangle को रखा हुआ, this is my second layer, और exactly उसके ऊपर मेरा third layer आ रहा, this is my third layer. Now you speak about this pink color particle which is present at the center. सर ये जो pink color का particle है, ये already कितने लोगों से घिरा हुआ है? This pink color particle is already surrounded by 6 people. Now, इसको आपने जब यहां पर ऊपर रखा, तो ये कितने लोगों के contact में आएगा? सर, नीचे के 3 लोगों के contact में आएगा. So, this, it will be surrounded by how many people? It will be in contact with how many people? It is surrounded by 6. उनके साथ contact में होगा. नीचे एक 3 atoms का layer आया, उसके साथ contact में होगा. तो 6 और 3, 9. सर, ऐसा ही green layer का जो, green atoms का जो layer नीचे है, exactly ऐसा ही layer ऊपर भी आएगा. So, वहां पर भी कितने लोग हो जाएंगे? 3. Because at the end of the day, मेरे पास एक continuous system होता है. A, B, A, B, A, B. I hope you are getting this. So it will be surrounded by 12. 6, 3, 3. So the coordination number of hexagonal cube comes out to be 12. So you can write coordination number comes out to be
12. This two informations are quite important और ये हर जगह दी होती हैं. And you should understand कि number of particles कितना है, you should understand कि coordination number कितना. Now the next question comes out कि what is percentage efficiency of packing, या packing efficiency कितना है, या percentage packing efficiency कितना. Now when I say percentage packing efficiency, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस cube में कितनी percent जगह खाली पड़ी होगी और कितनी percent जगह particles ने occupy की होगी. So let us start with the derivation for efficiency of HCP. Okay, so before you start with efficiency of HCP, you need to understand few more things. Jaise I have got these two atoms. Let us say iska radius hai r, iska radius hai r. So the distance between these two point will come out to be A, and A will be equal to 2r. So I can write over here, distance between this and this point will be nothing but A equals to 2r. One more thing, agar main yahan upar rakhe hue ortho center ke upar rakhe hue atom ko iske sath join karta hu, to even this distance comes out to be A, and that also comes out to be 2r. Nahi समझा होगा तो मैं इसको रिपीट करके दिखा सकता हूं कि सपोज मेरे पास ये तीन एटम्स का लेयर है. I've got this atom, six atoms का लेयर. इसके ऊपर मैंने एक पार्टिकल की लेयर को लाके रखा. Now if you look very carefully from your side, अगर मैं ये दो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, these two particles, let me hold it. If these two particles are touching each other, तो उनके बीच का जो distance होगा, let me say it's an A, उसको हम लोग edge length बोलते हैं A, and that will be coming out to be 2R, R plus R. Similarly, अगर आप ध्यान से देखो, this green particle is at the ortho center के exactly ऊपर है वो, तो सर इसका nucleus और इसके nucleus का जब मैं distance लूँगा, that will be also equal to 2R, क्योंकि ये इसका जो radius है directly उसके साथ contact में आएगा, so मैं कहूँगा वो distance भी जो है, that also comes out to be 2R. मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, बिकॉज दिस विल बी नीडेड इन द डेरिवेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के साथ. यू टेल मी व्हाट विल बी परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100. सर अगर फ्रैक्शन में पूछा रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते हैं. अगर फ्रैक्शन में नहीं पूछा होगा, इफ इट इज आस्किंग इन परसेंटेज, तो वहां पे 100 से मल्टीप्लाई करना. नाउ अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. सर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, आपके पास कितने स्पीयर्स हैं टोटल वहां पे. सर मेरे पास नंबर ऑफ स्पीयर्स वहां पे 6 हैं, सो नंबर ऑफ स्पीयर्स विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल volume of your HCP, I hope clear है. Now sir question ये उठता है, what is the volume of HCP? अगर simple cube होता, अगर मेरे पास एक simple cube होता, तो volume निकालना बड़ा आसान हो जाता. क्या हो जाता? Length into breadth into height, so A into A into A, answer would have been A cube. Problem क्या है? ये simple cube नहीं है, it's an hexagonal cube. तो आप इसका volume कैसे निकालोगे? So volume of an hexagonal cube, so I can say volume of hexagonal cube will be equal to volume of equilateral triangle, volume of equilateral triangle multi, yeah, I would rather say area of equilateral triangle, area of equilateral triangle multiplied by 6. Reason kya hai? Sir, mere paas yahan 6 equilateral triangle hai. I've got 6 equilateral triangle. Ek equilateral triangle ka area nikalo and multiplied by 6. To mujhe iska kya milega? Base area milega. Base area. Multiplied by height. So, multiply by height. So, jab main usko height se multiply karunga, to mujhe kya mil jayega? Mujhe complete volume mil jayega. Base area, jo base hai uska area, multiplied by height will give you volume of your HCP. Now the question arises ki what will be the area of this equilateral triangle. Agar main is equilateral triangle ki baat kar raha hu, I'm speaking about this equilateral triangle, what will be the area of equilateral triangle, aur aise mere paas 6 equilateral triangle hai. So this will be area of equilateral triangle multiplied by 6 multiplied by height. What is the height? Height is c, so it will be multiplied by c. What is area of equilateral triangle? So area of equilateral triangle is root 3 by 4 into a square. So I have got this. So ek kaam karte hain, to percentage efficiency mein isko substitute karte hain. So percentage efficiency will be equal to 4/3, main direct niche likhta hu, 4/3 multiplied by pi multiplied by r cube multiplied by 6 multiplied by 100 whole divided by, aapko yahan pe volume of HCP likhna hai, to multiplied by root 3 multiplied by 4 into a square into 6 multiplied by c. I hope समझ में आया. अब इसको हम sort out कर सकते हैं. If you look very carefully, 6 और 6 यहीं पे cancel हो जाएगा. Now what you are left with is 4, 4 ऊपर चला जाएगा. So this will be 4, this 4 will be going up. So this will be 16 into pi into r cube into 100 whole divided by, नीचे क्या बचेगा? 3
रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। आई होप समझ में आए। अब एक काम करते हैं, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट समथिंग। अब तक हम लोगों ने जो सिंपल क्यूब या एचसीपी या सिंपल क्यूब या एफसीसी या बीसीसी में देखा, वहां पे क्या करते थे, ए और आर का रिलेशन ढूंढ के निकालते थे और हम ए और आर के रिलेशन को सब्स्टिट्यूट करते थे। सर यहां पर भी हम वही करेंगे। सिंस मुझे पता है मेरा ए इक्वल्स टू टू आर, आई हैव गॉट ए इक्वल्स टू टू आर, सो कैन आई से आर विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई टू। सो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आर की जगह ए बाई टू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग विल बी 16 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट। आर क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए बाय 2 द होल क्यूब, एम आई करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी, कमिंग आउट ओवर हियर। तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस विल बी 16 पाई मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब विल बिकम ए क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब विल कम आउट टू बी 8। मैं उसको नीचे लिख देता हूं, चलेगा। सो दिस विल बी 8 1 8 8 2 16। सो फाइनली व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद मी, ए स्क्वायर मेरा जाएगा, यहां से भी मेरा ए स्क्वायर जाएगा, सो व्हाट आई विल बी लेफ्ट, समथिंग एल्स, नो। सो दिस विल बी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय सी, सो आई वॉन्ट से सी, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, सो मेरे पास 2π100 हो गया, 2π100, दिस विल बी 3√3 मल्टीप्लाइड बाय सी। ऊपर क्या बचा रहेगा, मेरे पास ऊपर ए बचा रहेगा, द रीजन वॉज कि ए स्क्वायर कैंसिल हुआ था, सो दिस विल बी ए डिवाइडेड बाय सी। नाउ सर प्रॉब्लम यहीं आके फंस जाती है एचसीपी में, देखो 2π100 3√3 हमको पता है। अब मुझे किसी भी तरीके से ए बाय सी का रेशियो निकालना है। नाउ इफ आई गेट ए बाय सी का रेशियो, मेरी लाइफ बड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, बिकॉज मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा और मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी पता चल जाएगी। सो आई नीड टू फाइंड आउट ए बाय सी, सो शैल आई रब दिस आउट, सो मैंने इसको ऊपर लिख दिया एंड मुझे किसी भी तरीके से ए बाय सी को ढूंढ के निकालना है, तो लेट स्टार्ट विद ए बाय सी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एचसीपी इज फाइंडिंग द रेशियो ऑफ ए बाय सी, और आई शुड से सी बाय ए का रेशियो। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट विद दिस, सर इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये बेस लेयर है, आपके व्यू से अगर मैं यहां पर एक एटम को लाके प्लेस करता हूं, आई एम प्लेसिंग एन एटम एटॉमिक लेयर ओवर हियर, देखो मैं इसको यहां लाके प्लेस कर रहा हूं। सर माइंड इट, जब ये एटम द सिंगल एटम यहां आके प्लेस होगा, मैं एक काम करता हूं, इस ट्राइंगल को रिप्लेस कर लेता हूं इस ऑरेंज बॉल के साथ, तो ये ऑरेंज बॉल यहां पे आई होगी। मैं इसको और रिप्लेस करता हूं एक पिंक बॉल के साथ, तो ये पिंक बॉल यहां आई होगी। सर मैं और रिप्लेस करता हूं इसको येलो बॉल के साथ, ये येलो बॉल यहां आया होगा। डू यू एग्री कि मेरे पास ऊपर का 3 लेयर्स बना है। फॉर अ टाइम बिंग चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इस ऑरेंज बॉल को हटा लेता हूं, ओके मैं इस पिंक बॉल को भी हटा लेता हूं, ओके सो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ ये ऑरेंज बॉल, और ये ऑरेंज बॉल वो लेयर है, दिस इज अ बी लेयर का एक एटम। सो डोंट यू फील, ये जो बी लेयर का एक एटम है, दिस इज प्लेस्ड ऑन अ ट्राइंगुलर वॉइड। अगर ये ट्राइंगुलर वॉइड पे बैठा है, लुक दिस इज अ ट्राइंगल जिसके ऑर्थो सेंटर के ऊपर आई हैव प्लेस्ड वन एटम, लेट द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट इट रिप्रेजेंट बाय जेड। यहां पर आपको एक एटम दिख रहा होगा, दिस एटम व्हाट यू कैन सी, इसके न्यूक्लियस को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस न्यूक्लियस टिल दिस न्यूक्लियस एंड देन अ हाइट। सो व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर, मेरे पास एक ट्राइंगल मिलेगा, मुझे एक ट्राइंगल मिलेगा यहां पे, और उस ट्राइंगल के ऊपर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ, एग्री विद दिस। दूसरी बड़ी बात, ये जो यहां पे हाइट होगी, ये जो यहां पे लेंथ होगी, दिस विल बी ए इक्वल्स टू 2r एंड This also will be equal to A equals to 2R. The reason is दोनों एक दूसरे के साथ टच में है। आई होप क्लियर है ये। अगर ये आपको क्लियर है, this diagram जो मैंने यहां बनाया हुआ है, ये वही diagram है। If you look over here very carefully, मेरे पास 3 atoms हैं। I got 3 atoms which are in contact with each other. इसके ऑर्थो सेंटर के ऊपर मेरे पास एक एटम आके बैठा हुआ है, सो लेट दिस बी द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम जो ऊपर बैठा हुआ था, एंड ये सेंटर्स इन सर्कल इन इन बॉल्स के न्यूक्लियस को मैंने कॉन्टेक्ट में ला दिया, आई हैव टच देम। नाउ Let us say कि मैं यहां पे जो ऑर्थो सेंटर है एग्जैक्टली जिसके ऊपर मेरे पास एक एटम आके बैठा है, दिस विल बी एन एटम जो वहां पे बैठा होगा, ये एटम है जो इसके ऊपर एग्जैक्टली प्लेस किया होगा। लेट मी ड्रॉ ए ट्राइंगल, मैं इस ट्राइंगल को बहुत अच्छे से यहां पे ड्रॉ करता हूं। लेट अस से मेरे पास ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, आई हैव गॉट दिस ट्राइंगल, लेट अस से इसको मैं ए मानता हूं, लेट मी से यहां जो ऑर्थो सेंटर है उसको मैं एक्स मानता हूं, और ऑर्थो सेंटर से सम हाइट के ऊपर मेरे पार्टिकल आके बैठा होगा, मैं उसको जेड मानता हूं। गेटिंग पॉइंट, सो लेट मी से ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा।
सर यहां से जो मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस लाइन, दिस विल बी इक्वल टू ए इक्वल्स टू टू आर. सर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मेरा ये जो पार्टिकल वहां बैठा हुआ है वो उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा. ऑल्सो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू ए इक्वल्स टू टू आर. अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर यहां कट मारू, दिस परपेंडिकुलर, सो ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये मेरा रेडियस हो जाएगा, एंड देन जॉइन देम, जॉइन देम. सो वॉट यू आर सीइंग ओवर हियर इज मेरे पास ये था, मैंने यहां पे एक पार्टिकल को लाके रखा था, मेरा ये एक लाइन था. इफ यू लुक फ्रॉम दिस साइड, मेरा ये एक लाइन था, ये एक लाइन था, नीचे की तरफ एक लाइन होगा, यहां से एक लाइन होगा. लुक एट द ट्राइंगल. ओके, दिस इज माई पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट ए है यहां पे जो रखा हुआ है. दिस इसके यहाँ परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ किया ऑर्थो सेंटर से, सो दिस डिस्टेंस विल बिकम रेडियस. और वहां पे मैंने एक हाइट में रेस किया हुआ, दैट हाइट दिस इज जेड और एक्स, जेड एक्स, एंड देन मैंने उसको स्लांट ऐसे ड्रॉ किया हुआ, दिस स्लांट दैट इज जेड ए. जो स्लांट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस स्लांट विल बी नथिंग बट ए, अगेन ए इक्वल्स टू टू आर. आई होप यहां तक क्लियर है. नाउ डू वन थिंग, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस एंगल ओवर हियर वुड हैव बीन 60 डिग्री. ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और यहां पे ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. मुझे वो बाकियों के एंगल से लेना देना नहीं. अगर यहां से मैंने ऑर्थो सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ की है, द लाइन पासिंग टू ऑर्थो सेंटर विल ऑलवेज बाइसेक्ट दिस एंगल, तो मुझे ये जो एंगल मिलेगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. तो 30 डिग्री मिलेगा. एक काम करो, कॉस थीटा लो, तो कॉस थीटा ऑफ 30, कॉस ऑफ 30 विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटन्यूज. एग्री करते हो? व्हाट इज एडजेसेंट इन दिस ट्राइंगल? मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में एडजेसेंट क्या है? इस ट्राइंगल में जो एडजेसेंट है, मैं इस पॉइंट को y मान लेता हूं. सो दिस विल बी y a अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटन्यूज. हाइपोटन्यूज इज योर x a, दैट्स योर x a. व्हाट इज y a? y a इज नथिंग बट r डिवाइडेड बाय x a. x a मुझे पता नहीं क्या है, तो लेट इट पुट एज x a. तो cos ऑफ 30 विल बी इक्वल टू r अपॉन x a. व्हाट इज cos 30? cos 30 इज √3/2. So cos 30 will be √3/2 will be equal to r upon xa. What will be xa? Therefore xa will be equal to r upon √3/2. That will be equal to 2 times radius divided by √3. This is what I have got about xa. ये मेरे पास xa निकल के आया. Now what actually is the use of xa? Sir xa का use ये है, आप अगर इसको substitute करो in triangle, in ट्राइंगल जेड एक्स ए, जेड एक्स ए. सो टेल मी वॉट विल बी जेड एक्स, जेड ए, जेड ए द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स ए, एक्स ए द होल स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा? जेड एक्स, दैट विल बी योर जेड एक्स द होल स्क्वायर. एक काम करो, जेड एक्स को साइड में लेके आओ. सो जेड एक्स द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड एक्स द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड ए द होल स्क्वायर माइनस एक्स ए द होल स्क्वायर. व्हाट इज जेड एक्स? जेड एक्स, जेड एक्स ऑर्थो सेंटर से लेके, ऑर्थो सेंटर से लेके उस पार्टिकल तक का डिस्टेंस, दैट विल बी सी बाय टू द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड ए, दैट इज जेड ए. जेड ए इज नथिंग बट That's a the whole square minus xa, xa, xa आपने अभी अभी निकाला, तो that is nothing but 2 times radius divided by root 3 the whole square. So this will be c square divided by 4 will be equal to a square minus 2 का square will be 4. This will be r square divided by this will be 3. So this is the equation that you have got. Now करना क्या है? सर प्रॉब्लम हो गया है, यहां सी है, यहां ए है, यहां आर है. आई नीड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सी एंड ए. तो एक काम करो, आर की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो? आर की जगह आप ए बाई टू सब्सटीट्यूट कर सकते हो. तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 आएगा, 2 का स्क्वायर विल कम आउट टू बी 4 होल डिवाइडेड बाय 3. आई होप समझा. आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा? ए बाय टू द होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. दिस 4 एंड 4 विल गेट कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? ओके, दिस इज गेटिंग मैसी. मैं कहीं पे रब करता हूं, सो शैल आई रब दिस आउट? मैं यहां पे रब करता हूं. सो अगर मैं यहां से रब करूं, सो व्हाट आई विल कैन राइट ओवर हियर विल बी सी स्क्वायर बाय 4 विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 3. करेक्ट? तो c square by 4 will be equal to 3a square minus a square divided by 3. So this 3a square minus a square will be nothing but 2a square divided by 3. Now एक काम करो, 4 को उधर लेके जाओ. So this will be c square, a को इधर लेके आओ, divided by a square will be equal to कितना हो जाएगा? 4 and 4 to the 8 by 3. Now एक काम करो, c और a को square root ले लो दोनों तरफ. So क्या हो जाएगा? c by a will be equal to under root of
8 divided by 3. Now C by 8, that is root 8 divided by root 3, the answer comes out to be 1.64. I hope clear. Oh wow, I got C by A. So C by A comes out to be 1.64, correct? What will be A by C? Therefore, A by C will be equal to 1 upon 1.64. Sir, mujhe A by C chahiye tha. I hope clear hai. So very simple, put up the values. Percentage efficiency will be equal to, kitna ho jayega? 2 into pi into 100 divided by 3 root 3 multiplied by A by C. A by C is nothing but 1 upon 1.64. Sir, please aap karke dekh lena. 2 pi 100 3 root 3 into 1.64. This comes out to be 74% exactly. I hope the derivation was lengthy, but it was quite simple.